हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश और स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के कृषि तंत्र के बारे में। जी हां, कि आखिर हमारे भारत देश में किस तरह से फसलों को उगाया जाता है, किस तरह हमारा एग्रीकल्चर हमारे देश में डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक्स को। तो भाई, आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्व है, जो कि हमारे फार्मिंग से आती है। हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो इकोनॉमिक्स से काफ़ी उठी होती है। तो आज की वीडियो में हम अपने फसल के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, हमारे भारत देश में तीन तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें से है पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स और तीसरा है जैद क्रॉप्स। तो भाई, जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो होती हैं, उनको हम लोग जून या जुलाई के समय में बोते हैं और उनको अक्टूबर से नवंबर के समय में उसको काट लेते हैं, या फिर कहें तो हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि धान हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं अपनी, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वो कुछ सारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। और जो दूसरा टाइप है हमारा, वो है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स वो जो फसलें होती हैं जो वही नवंबर से दिसंबर के समय में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के समय में उनको काट लिया जाता है। और जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, मतलब कि गेहूं हो गया, मस्टर्ड यानी कि सरसों हो गया, ग्राम यानी कि चना हो गया, इस तरह की फसलें इसमें से उगाई जाती हैं। और जो तीसरी टाइप की फसल होती है वो होती है जैद क्रॉप्स। जो जैद क्रॉप्स होती है, ये एक ऑप्शनल फसल होती है, इसको ज़रूरी नहीं है कि हर किसान उपलब्ध करे या फिर इसको उगाए। कुछ किसान होते हैं, क्योंकि जब इन दोनों के डिफरेंस में थोड़ी सी दो दो महीने का समय रहता है, वो मिल जाता है, तो इस क्रॉप्स को उस समय में उगाया जाता है। तो कुछ किसान होते हैं जो इसको उगाते हैं, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, इस तरह की फसलें हैं, और जो मूंग हो गया उसको भी हम लोग इसी समय में उगाते हैं। तो ये तीनों क्रॉप्स हो गई। लेकिन अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि हम लोग तो हमारे देश में, हमारे लोग 1000 सालों से कम फार्मिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले के समय में जो हमारी फसल थी वो कम होती थी और हमारे देश में हमारे खाने के लिए पूरा अनाज नहीं पैदा कर पाते थे। बल्कि आज के समय में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे देश में खाने के लिए पूरा भंडारण है, यानी कि हम लोग अभी भी पूरी तरीके से खाने में संतुष्ट हैं और हम लोग विदेशों को भी अपना अनाज बेचते हैं, और इसी अनाज से बेचने के बाद हमारी इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो भाई, इसके पीछे का सिंपली कारण है कि पहले के समय में जो टूल्स थे वो बहुत पुराने थे, आज की तरह के मॉडर्न टूल्स नहीं थे। जैसे कि हम लोग आज के समय में देखते हैं कि ट्रैक्टर हो गए हैं, कल्टीवेटर हो गए हैं, JCB हो गई हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं जो कि हम लोग अब अपने फार्मिंग में यूज़ करते हैं। और एक दूसरा कारण है कि पहले के समय में हम लोग जो सीड्स हैं वही पुराने सीड्स का यूज़ करते थे, जिससे कि फसल अच्छी नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में हम लोग कई वैरायटी की सीड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड्स के सीड हो गए, इस तरह से हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है। और इसके पीछे का ये कारण है कि पहले के समय में जो टोटली क्रॉप्स होती थी वो बारिश पे ही डिपेंडेंट होती थी। जब बारिश होती थी तभी उसी के सहारे उन लोग की फसल उगती थी। लेकिन आज के समय में इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, जैसे कि कैनाल्स हो गए, और अगर पंजाब या हरियाणा साइड देखें तो वहाँ और मॉडर्न तरीके से स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा दिया गया है, जिससे कि पानी फवारों के रूप में खेतों में पहुँच जाता है। तो पहले से आज के समय में हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ की है। हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसी टेक्निक्स के साथ मदद से हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, जो कि हमारी क्रॉप्स में बहुत मदद करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जैसे वैसे धान गेहूँ ये वगैरह चीज़ हो गई है तो ऐसे क्रॉप्स में आते हैं, लेकिन जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, इनको उगाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग सब्जी उगाते हैं या फिर फल उगाते हैं, इस चीज़ को हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। और यह तो या पूरे साल में उगती हैं या फिर कुछ कुछ महीनों में उनको उगाया जाता है। तो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फसल से रिलेटेड हैं। तो हमारे देश का जो किसान है वो हमारे देश को चलाने में हमारी बहुत मदद करता है, इसलिए हमेशा हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि और हमारे देश में
क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए या फिर और ज़्यादा उगाने के लिए और क्या कैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।